मेरे मामू ने भेजे हैं इंग्लैंड से मामा के लिए शूज। फ्रेंड्स आप सब लोग कैसे हैं, उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर बैट में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट, चाय बन गई है, ये देख सकते हैं आप, चाय सीढ़ियों में पड़ी है, बड़ी प्यारी लग रही है। एनीवेज फ्रेंड्स मैं आ रही ना सर, कैन यू प्लीज कम हियर। क्या मसला आ रहा है तुम्हें? खड़े हो, जल्दी खड़े हो, इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं जा रही हूँ। ओए इधर देखो, आए मम्मा की जान बच्चा। किधर गया चूजे? दूर गया? लाओ मुझे दो। फ्रेंड इधर बन चुके हैं पराठास, चाय और ये साथ में अंडा। फ्रेंड यहाँ पे मैं और जीजी उठ चुके हैं और हम करने लगे हैं मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट। ये कुछ रस मैंने पैक वाले मंगवाने थे लेकिन ये खुले आ गए, तो खैर ये भी गोल्ड रस भी हमें पसंद है, रात को मंगवाए थे अभी तक इनका टेस्ट अच्छा होगा। अगर ये 2-3 दिन पड़े रहें तो ये ज़ाहिर ओबियसली अच्छे से पैक नहीं होते, सील्ड नहीं होते, तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं, मतलब नरम हो जाते हैं और बहुत ही गंदा फ्लेवर हो जाता है इनका खाने में। तो मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट जेजी के साथ मज़े से, और आमना वहाँ पे सो रही है। जेजी को चाय रस बहुत पसंद है माशाल्लाह। यहाँ पे आमना ने मुझे बना के दिया है बहुत मज़े का पराठा और साथ में चिकन और साथ में चाय। फ्रेंड ये वही पराठा है जो आटा गूंदे बगैर बनता है और इट्स रियली सो यम्स, बेस्ट इन विंटर्स। अगर आपके पास आटा गूंदने वाली मशीन नहीं है और आप अपने हाथ भी नहीं गीले करना चाहते और आप पराठा भी खाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी। अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो आप पीछे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, बहुत मज़े का बनेगा और बहुत इजी वे पे बनेगा, 2 से 4 मिनट में ये बन जाएगा। और ये मैं मामना, हेलो, अपने लिए बना रही है अब और शायद मेरे लिए भी और बना रही है। एक्सपीरियंस मेक्स आमना परफेक्ट। फ्रेंड यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है, मैं खाने लगी हूँ फ्राइड एग, साथ में ब्रेड, साथ में चाय, साथ में कुछ बिस्किट्स हैं, पीछे जेजी के लिए रस है और ये है साथ में प्लेन वाटर। जेजी यहाँ पे उठ गया और आज मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द थी तो मैं जो है वो काफ़ी टाइम तक सोई रही, ऐसा लग रहा था मुझे फ़ीवर भी हो रहा है और छूँ छूँ भी साथ में क्योंकि वेदर चेंज हो गया, ऑलमोस्ट विंटर्स आ चुकी हैं। तो मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, जेजी को भी भूख लगी है, इसको करवाती हूँ। मैं यहाँ पे खा रही हूँ आलू का सैंडविच मज़ेदार किस्म का, वहाँ पे जेजी सो रहा है और ये है मेरी साथ में चाय, ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार यम्स चाय है, ये देखें तुम्हें साथ में केचप। मैं मीट को इन्जॉय करती हूँ, आप लोग अपने घरों में क्या खा रहे हैं, सर्दियों को कैसे इन्जॉय कर रहे हैं, सर्दियों में क्या क्या खाने खा रहे हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कट करने वाला रिवाज नहीं रखा हुआ, कट मैं नहीं आना चाहती आप। कैसा फील हो रहा है ब्लैंकेट में बैठ के? ऑब्वियसली इट फील्स गुड, पर मुझे लगता है हमें नीचे जाना चाहिए, ऊपर बहुत सर्दी है। बनाया था ये बगैर आटा गूंदे बगैर पेड़ा किए जो है रोटी, तो मैं ट्राई करने लगी थी लेकिन मेरे से तो बहुत बुरा हुआ, मेरे से ये हुआ कि बहुत ज़्यादा पतला हो गया था, तो अब इसमें मज़ीद आटा डाला है तो अब ये थोड़ा अच्छा हो गया। एक मिनट में लाइट ऑन करूँ, ये देखें तो ये तवा जो है वो यहाँ पे गर्म हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, इसके ऊपर आटा डालते हैं और फिर देखते हैं कि अब क्या करना है।
आमना अंदर सो रही है, नहीं तो वो शायद मेरी हेल्प करती। फिर मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो देखी है तो मुझे थोड़ी सी हेल्प भी मिल गई है। अब देखते हैं ये अच्छी बनती है कि नहीं। बहुत ही बड़ा जो है वो पराठा तैयार हो रहा है। अब पता नहीं ये पलटा कैसे जाएगा। अब होपफुली कि ये पलटा जाएगा। ये पूरा रेडी होता तो फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे चाय भी रखने लगी। यहाँ पे पराठा रेडी हो ही गया है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्या सीन था। तो बहरहाल बन ही गया। एनीवेज अब इसको खाते हैं, मैं और जेजी इसको खाते हैं। आजो आजो, जी लो जी लो जी लो जी लो। हाँ चाय में मैं डालती हूँ। फ्रेंड यहाँ पे जेजी की चुच्छों के साथ जो है मैचिंग सूट उसका मैंने निकाल दिया। साथ में उसको करूंगी पैम्पर और उसको पारा सा बेबी बनाऊंगी। फ्रेंड्स हम अक्सर आपको बता हम आपको बता देते हैं कि कोई चीज़ हमने अगर लंडे की पहनी हो, पर ये फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे मामू ने भेजे हैं इंग्लैंड से मामा के लिए शूज़। और ये मुझे फ्रेंड्स थोड़े से बड़े हैं, मुझे इस चीज़ का दुख है। और मामा के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि मामा के लिए शूज़ आए हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, मुझे बड़े हैं और मुझे बड़े हैं बस इस चीज़ का दुख है। हाँ फ्रेंड ये नेवी ब्लू कलर के शूज़ हैं एंड इनको क्या बोलते हैं आप, क्या कहें थी अभी फ्रेंड्स? ये अभी मैंने वीडियो बनाई थी इस पत्ती और चीनी के डब्बे की, मुझे अच्छा ज़रूरत पड़ी थी कैमरा फिक्स करने के लिए, इसलिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगी आप, क्या इन शूज़ का नाम? मुझे शूज़ का मसला नहीं है, शूज़ मेरे पास हैं, शूज़ में मज़ीद भी अल्हम्दुलिल्लाह बाय कर सकती हूँ। ऊंची बोले लेकिन जो उनका खलूस, उनकी चाहत, उनकी मॉम मेरी मॉम है तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इतनी खुशी मैंने दो दफ़ा उनको हाथ किया। और अक्सर तुम लोगों को मतलब मेरी फ्रेंड्स चीज़ें देती रहती हैं तुम्हें भी और जेजी को भी, लेकिन मुझे आफ्टर लॉन्ग टाइम किसी के तरफ से गिफ्ट मिला और मुझे बहुत खुशी है। आई एम टू मच एक्साइटेड एंड टू वेयर दीज फिल्ड विद टीयर्स यू नो। यप दैट इज आर नॉट सॉरोस, इट्स अ हैप्पीनेस यू नो। यप आई एम रियली हैप्पी and mama is really very happy and I'm little and gifts are priceless and gifts are priceless friend. I am very very happy for mom and little bit sad for myself फ्रेंड्स ये फिर जब शूज़ बड़े होते हैं तो बारे लग रहे हैं, बड़े हैं ना इसलिए बारे लग रहे हैं। और ये बार बार ऐसे निकल भी रहे हैं, बारे हैं मामा जिसका साइज़ हो उसको बारे नहीं लगते, थोड़ा बड़ा जो है पकड़ने में लाइट वेट है। फ्रेंड ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि ये पैकेज मॉल के लिए परफेक्ट जितना मर्जी इनको पहन के चलें। और इनका सोल नीचे से फ्रेंड्स हार्ड ही होना चाहिए, अगर सॉफ्ट होता अंदर कील घुस जाते हैं। एक मेरे शूज़ है वहाँ मुझे कील चुभ गया था अंदर पाँव के, नीचे से हार्ड है अंदर से। हाँ मुझे याद नहीं एग्जैक्ट फ्रेंड्स ये अंदर से इतने ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि आई कैन नॉट टेल यू गाइस। फ्रेंड्स मामा जब पहनेंगे आपके साथ शेयर करेंगी। यहीं पर करते हैं ब्लॉग को, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें फ्रेंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मैं यही बोलना चाहती थी कि मामा ऐसे बोलती है ना तेज़ तेज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।